Rajneesh, what is the project? What is the film about? Sir, ek second, do taraf se. सवाल है, क्या सुकेश कर रहा है सर, बताइए मंडली जी. मेरा जो किरदार है वो ओमकार सिंह का है. ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है. और मंडली हमारी जो पिक्चर है वो एक टू टीयर सिटी के बारे में है. एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे जैसे जो लोकल मंडलियाँ चलती हैं, जो रामलीला होती है, तो उस शहर में, वैसे शहरों में जो आज भी होता है, उस शहरों में कैसे कुछ पावरफुल पीपल, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो होते हैं, वो कैसे अपना मतलब निकाल के आगे बढ़ जाते हैं. वैसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको पिक्चर में दिखाया गया है. और वैसा ही एक जिना है ओमकार. पिक्चर में मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो तीन स्तंभ हैं, लक्ष्मण, सीता और रावण. मैं रावण प्ले कर रहा हूँ. सो ऑब्वियसली इसका जो ऑरा है, इसके आसपास जो चीज़ें हैं, जो ये कर रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को घुमाती है, मर्यादा से लोगों को हटाती है, और उसके बाद कैसे वापस वो उसको लाते हैं. सो उस बारे में कहा. Talking about this, corrupt practice show कर रहा है, politicians involvement show कर रहा है, don't you think it will create controversy? Yes. नहीं, हम लोग बिल्कुल भी politicians को नहीं दिखा रहे हैं. मतलब हमने कहीं भी politics या politician word नहीं use किया है. ये influential आदमी है, powerful है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो ये कर सकता है क्योंकि इसका उतना रुतबा है. सो वी आर नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी पॉलिटिशियन, नॉट एट ऑल टारगेटिंग एनी पार्टी. And talking about your co-star Vijay Kalachari, there other co-stars, how was working with them? Yeah. So about your co-stars, see, definitely Alka ji, Vineet Kumar sir, Vijendra Kala, Kavaljeet sir, इन सब के साथ काम करके बहुत मज़ा आया. सब दिग्गज हैं, सब थिएटर के हैं, FTIR के हैं, NHD के हैं, और इनके 30-30, 35-40 सालों के एक्सपीरियंसेस हैं. सो इट वाज वंडरफुल वर्किंग विद देम. मेरा एक मेजर पार्ट जो था पिक्चर को हाँ बोलने का, वो ये भी था कि राकेश भाई इज़ फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, ही इज़ नसीर साहब्स मेन मैन, और उनके आसपास जितने भी लोग थे वो सारे दिग्गजों को वो लेकर आ रहे थे पिक्चर के अंदर. सो आई लव्ड इट. मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड सबके टचवुड परफॉर्मेंसेज भी ऐसी आई हैं जो जिससे बहुत मज़ा आ जाएगा आप सबको देख के. सर, आपके इसके साथ बॉन्डिंग अच्छा रहा इस शूट के दौरान आपके साथ, कुछ बेहतरीन सीन बता सकते हैं आप? जी. सो मेरा इंटरेस्टिंग एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे सीन से कुक्कू सर के साथ, कवलजीत सर के साथ, देन अभिषेक के साथ जो पुरुषोत्तम प्ले कर रहे हैं, देन यू नो उसके अलावा विनीत सर के साथ, फिर जितेंद्र काला सर के साथ. तो उसमें बहुत ऑब्वियसली सी नोकझोंक रहती है, और मजाक तो हंसी मजाक बहुत चलता ही है, क्योंकि अगर आप 20-30 दिन एक ही शहर में रह रहे हैं जहाँ पे और कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप अपने आप में ही एंटरटेन करेंगे एक दूसरे को. एंड सो हम लोगों का उठना बैठना होता था. एंड आई थिंक मैक्सिमम जो मेरा मैक्सिमम जो मजाक चलता था वो डायरेक्टर सर और उनकी AD टीम के साथ चलता था. Sir, you are playing a negative character in the project. I mean, why do you think that negative character will be more impactful for the audience, or what is the reason behind it? See, I feel हर कहानी में you know एक जो ओवरऑल स्टोरी होती है उसके अंदर एक कैटलिस्ट होता है, एक जिना होता है, या एक चीज़ होती है, जो एक आइटम होती है जो एक चीज़ को मसाला डालती है, जिस पर जो जिससे आग लगती है. सो ये एक ऐसा किरदार है जो कैटलिस्ट है पिक्चर के अंदर, और साथ में उसके अलावा ये एंटागोनिस्ट है, तो मतलब जो नेगेटिव कर रहा है, तो बहुत बहुत कलर था इसके अंदर करने के लिए, क्योंकि शक्ल से बिल्कुल आपको लगेगा कि बहुत ही यू नो शरीफ आदमी है, पावरफुल है, शरीफ है, और चार्मिंग है. लेकिन उसके अलावा इसकी जो दूसरी साइड है वो कम ही लोगों ने देखी है, तो वो मुझे देख के और सुनकर बहुत मजा आया. दैट्स व्हाई आई टुक इट. सर, एक लास्ट सवाल, आपको बेस्ट सीन कौन से अच्छा लगा, पार्ट जो आपने किए हो बेस्ट सीन? जी, बेस्ट मुझे सीन तो मतलब सारे ही अच्छे थे, लेकिन मुझे इसमें से एक जो डायलॉग इसमें आता है वो बहुत ही अच्छा लगा, कि आशीर्वाद जो है वो भगवानों से लिया जाता है, भांडों से नहीं. सो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये जब रामलीला करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं. सो और इसको लगा कि ये जो चीज़ है ये दिल से ही आ रही है, क्योंकि आशीर्वाद हमेशा आप भगवान से ले लें, तो ये ओपनली बोल देता है कि आशीर्वाद भगवान से लिया जाता है, भांडों से नहीं. क्या बात है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, थैंक यू, जय श्री राम. और सारा हिंदी में बोल रहे हैं, चलो इंग्लिश में बात कर लेंगे. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. நான் தமிழ் கிராஸ் ஹோ கே இட் அதர் நைட் சரி ஜி. एक बहुत ही डिफरेंट फिल्म है मंडली.
सब अपनी फिल्मों के बारे में ऐसा बोलते हैं, पर मैं दावे से ऐसे बोल सकती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो रामलीला से इंस्पायर्ड है, उसके ऊपर आधारित नहीं है, उससे इंस्पायर्ड है। एंड मेरे लिए डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप सबको मैंने पहले भी बताया, मुझे रामलीला और मंडली के बारे में नहीं पता था और मैं बहुत इंट्रीग्ड हो गई, एक्साइटेड हो गई कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। एंड यस, छोटे शहरों में तो पता ही होगा कि मंडली क्या होती है, तो उन लोगों के लिए और भी अच्छा है, वो जाकर देख सकते हैं कि वो जो आज तक सिर्फ एक मंच पे देखते थे, अब उसको वो सिनेमा घरों में देख सकते हैं, तो छोटे घरों के लिए अच्छी बात है। बड़े शहरों के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत नया है एंड आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली, बॉम्बे, साउथ, अगर वो लोग भी जाकर देखेंगे उनको हमारे ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के बारे में बताएंगे? मेरा जो कैरेक्टर है, मैं बंटी का रोल प्ले कर रही हूँ, बहुत ही आउटगोइंग, बहुत ही बिंदास लड़की है। और वो कॉलेज में जब रामलीला के ऊपर प्लेज और शोज़ की बात होती थी तो वो बहुत लाइटली ले लेती थी कि ठीक है कर लेते हैं, पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, वो पुरु से मिलती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मंडली का हिस्सा बन जाती है। और उसके बाद जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो लड़ाई कर रही है कि पैसे और ज़िंदगी का खेल के बारे में उसको समझाने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि घर बसाने में और घर उजाड़ने में हमेशा औरत का हाथ होता है, आप ऊपर भी लेके जा सकती है, गिरा भी सकती है, तो ये वही औरत है जिसको ऐसा लग रहा है कि शायद उसका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है और उसको आगे तक बढ़ाने में उसका क्या संघर्ष है, उसके बारे में दिखाया जाएगा। बेस्ट उसके बारे में अभी बता नहीं पाऊँगी क्योंकि वो ट्रेलर में दिखाया ही नहीं गया है, बट एक बहुत प्यार को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन बोली गई है जब पुरु बोलता है हम आपको पसंद करने लगे हैं, और जो बंटी का रिप्लाई होता है और उसके जो पुरु का रिप्लाई है, आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत सुंदर चीज़ बताई गई है। कोई वियर्ड सीन बिहाइंड द सीन्स मेरा वियर्ड क्या होता है बिहाइंड द सीन्स में अगर मैं बिहाइंड द सीन्स में अगर मैं बोलूँगी तो ये बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग साथ में थे मथुरा में, एंड सब लोग एक्चुअली एक फैमिली बनकर ही रहते थे। हमारा बहुत बार नाइट शूट्स होते थे तो हम लोग ऐसा होता था कि 4-5 बजे शाम के उठ रहे होते थे, फिर सेट पे जाते थे, पूरी पूरी रात शूट करते थे, ब्रेकफास्ट करके जब सोते थे तो दिन क्या था रात क्या था पता नहीं चला, एक महीना कब कहाँ कैसे गुजर गया पता नहीं चला। जो सबसे सुंदर चीज़ मुझे लगती है कि हमारी फिल्म की शुरुआत जो पूजा हुई है वो वृंदावन में हुई है, बाके बिहारी जी के यहाँ हुई है, और बोलते हैं कि वहाँ पे जाने के बारे में आप सोचो बहुत बड़ी बात है, वो बुलाए तो उससे भी बड़ी बात है, तो उनके चौखट पे बैठ के उनकी सेवा करना, उनके दर्शन करना, और फिल्म फिर हमने जो फिल्म को शुरू किया है, मेरे लिए वो बहुत सुंदर चीज़ है। परंपरा है, रीति रिवाज में भी आता है, तो कहीं ना कहीं जो है रामलीला को जो है गलत भी साबित करते हैं लोग, उसे किस तरह देखते हैं जब रामलीला को भगवान का स्वरूप बोलते जो रहते हैं उसको गलत साबित करते हैं, कैसा लगता है उसे, कैसे अगर आप सही मायने में दर्शाओ तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि फिल्में भी तो बनती हैं श्री राम भगवान के ऊपर, फिल्में बहुत दूसरे भगवान के ऊपर भी बनती हैं, और अगर आप जैसे मैंने कहा सही मायने में दर्शा कुछ भी गलत है, तो वैसे ही रामलीला में वो फिल्म नहीं बना रहे हैं लेकिन वो स्टेज पे दिखा रहे हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से दिखाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कोई बुराई नहीं है। मैम आपने कहा कि हमें रामलीला के बारे में कुछ नहीं पता था, क्या आप कॉलेज टाइम की बात की, स्कूल टाइम की बात करें, आपने क्या देखा था रामलीला? नहीं, मैंने पहली बार मथुरा में जाकर रामलीला देखी है, एंड हाँ यूट्यूब पे देख ली थी क्योंकि जिस चीज़ पे मैं फिल्म कर रही हूँ मुझे उसके बारे में नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन जब हम शूट पे जाते थे और साथ में रामलीला हो भी रही थी तो मैं एक्चुअली वहाँ जाके खड़ी हो गई कि मुझे देखनी है, और काफ़ी मज़ा आता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। प्ले कर रहे हैं आप, उसके बारे में बताइए।
मेरा अनुभव बहुत सुंदर था, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है इसका एक ही जवाब हो सकता है कि सिनेमा करते हुए मैं हमेशा अच्छा ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं यही करने के लिए जन्मा हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा प्रेम है। और रही बात मेरे किरदार की, मुझसे एक बार और किसी ने इंटरव्यू में पूछा था ये बात, अपने खुद के जीवन में हम सबके कुछ सपने हैं, हम लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए और उसको पाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये एक उस कलाकार के संघर्ष की कहानी है। मैं ऑलरेडी वो संघर्ष अपने जीवन में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ ऑनेस्टली उस चीज़ पे विश्वास करना था और वहाँ जाके परफॉर्म करना था, तो वो मेरे लिए बहुत आसान रहा, मुझे मदद मिली। एज एन एक्टर आप कोई भी किरदार निभाइए, आपकी आप फुल्ली 100% रिस्पॉन्सिबल होते हो उस चीज़ के लिए कि जिस किरदार को आप निभा रहे हो आप 100% उस समय ऑनेस्ट रहें, क्योंकि ऑडियंस आपको पैसा दे के देखने आ रही है और वो पैसा उसने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया है और वो भी विश्वास पे तुम्हें देखने आया है। तो एज अ कलाकार मेरी कोशिश ये है कि मैं कितना रियल हो सकता हूँ और कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उसके साथ, उस पर काम चल रहा है अभी भी, ये बहुत लंबा सागर है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि यार धीरे धीरे सीखते सीखते, और मैं आप लोग भी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए। दोबारा कहिए। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, मैं जब भी कभी किसी भी फ्रेम में गया तो मैं बहुत वैल्यूएबल था अपने लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ मेरी माँ बता सकती है कि मैं क्या हूँ, बाकी कोई दुनिया में नहीं बता सकता कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, क्या हूँ। मैं अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ, तो मैं जब भी किसी फ्रेम में उतरा या किसी बड़े स्टार के साथ उतरा, मैं हमेशा अपने साथ था, मैं खुश था। सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे हर एक स्टार ने सहयोग दिया। सुल्तान में मेरा बहुत कीमती, बहुत अच्छा प्यारा सीन था सलमान भाई के साथ, जिसमें उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी, अली अब्बास जफर जी, उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी कि अभिषेक तू दिखा तेरे पास क्या है। तो एक कलाकार का हौसला बढ़ता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं अनिल कपूर जी थे, राजकुमार राव जी थे, जूही चावला जी, नहीं ऐसा नहीं, अनिल कपूर जी की जो बेटी हैं, जो सोनम जी, सोनम कपूर जी थी। तो मुझे हर एक प्रोजेक्ट में, पटाखा में मैंने विशाल भाई से पूछा, मैंने कहा सर आपने हमारी वर्कशॉप्स नहीं करवाई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि यार अभिषेक मैंने तुझे कास्ट किया है, मुझे तुझ पे भरोसा है कि तू वो काम कर सकता है। तो मैं किस्मत वाला हूँ यार, अगेन मेरे को जितने भी स्टार्स थे और जो भी बड़े लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और हमेशा से। 20 तारीख को मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, प्यार है तो है, उसमें करण हरिहरन और मैं हैं, तो हाँ, तो उसमें मेरा थोड़ा सा ग्रे शेड है। और उसके 7 दिन के बाद मेरी ये फिल्म रिलीज हो रही है मंडली, जिसमें मैं हीरो हूँ, मैं सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है, इस महीने मेरी 2 फिल्में हैं। और आप लोग यार प्लीज़, मैं अगेन वही बात बोलूँगा, मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दो। हर कलाकार का सपना होता है कि यार उसको ना एक ऐसा काम करने का मौका मिले जिसे देख के उसे ये लगे कि यार मैंने जो इतनी मेहनत की ना सालों की, वो वर्थ है। तो जब मैंने मंडली देखी ना, स्क्रीनिंग देखी उसकी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभिषेक तू सही लाइन में है और तू सही काम कर रहा है। पर मुझे हजारों कमियां भी दिखी और मुझे पता चला कि और मुझे कितनी मेहनत करनी है। थैंक यू सर। थैंक यू। और
सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक फिल्म राकेश जी ने मेरे पास लेके आए तो हम केसरी कर रहे थे, उस दौरान हम एक्टर्स की तरह काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फिल्म है जो मैं बना रहा हूँ उसमें आप प्लीज़ एक किरदार है वो कर लीजिए। बात वहाँ से शुरू हुई मेनली, और उसके बाद फिर जब स्क्रिप्ट सुनी उसके बाद पता लगा कि फिल्म मंडली है और ये रामलीला के बैकग्राउंड पे है, तो उस तरीके से बातचीत हुई और फिर फिल्म तो करनी ही थी बिकॉज राकेश जी परम मित्र हैं तो फिल्म तो करनी ही थी। देखिए फिल्म जो है, फिल्म रामलीला जो आजकल चल रही है हमारे हिंदी बैच में जो चलती है रामलीला, उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं जो निभाते हैं वो रामलीला का काम करते हैं, रामलीला खेलते हैं, उनके जीवन में पीछे घटित क्या होता है, उन लोगों के ये उसके आसपास बनी हुई कहानी है, जैसे कि इंस्पायर्ड बाय मुंशी प्रेमचंद जी स्टोरी, उसमें तो है ही प्रेरित है, लेकिन अल्टीमेटली ये कहानी एक परिवार की भी है और परिवार रिप्रेजेंट करता है देश को भी, देश में क्या चल रहा है, तो वही पावर और डिवाइन की आपस में जो जंग है इसमें कहा भी गया है इसकी टैगलाइन में, तो उसका यही रीज़न है क्योंकि जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसकी आपको अंडरलाइनिंग जो एक अंडर करंट होगा फिल्म की स्क्रिप्ट में, फिल्म के नैरेटिव में हर जगह मिल जाएगा, जिसमें कि जो आज समाज में चल रहा है उसके बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू। मूवी में मैं बात करूँ तो रजनीश दुग्गल हैं, विजेंद्र काला जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, आंचल मुंजाल हैं और अलका अमीन जी हैं और एक हमारे जो सीनियर एक्टर हैं इनका कमलजीत जी भी हैं जो आने पाए आज, कुछ तबीयत थोड़ी सी उनकी नाजुक है। उसके अलावा बहुत से लोकल कलाकार जो मथुरा से भी हैं और मतलब इतने हैं कलाकार इतने हैं। फिल्म के बारे में बता दूँ, ये पहली ऐसी मूवी है जो बेस्ड रामलीला है और रामलीला के जो स्टेज के ऊपर जो अश्लील या अभद्र जो नाच संगीत होता है जो लीला मंचन करते समय जो लोग करते हैं, तो उसके खिलाफ हमारा हीरो की एक स्टोरी है कि वो उस जगह पे कोई भी लीला करना नहीं चाहता है, जहाँ कुछ भी अगर कुछ भी गलत एक्टिविटी जो हो रही है वो नहीं करना चाहता, उसको उन एक्टिविटियों में वो शामिल नहीं होना चाहता। तो पावर वर्सेज फेथ की एक स्टोरी है जो हमने पर्दे पे बहुत खूबसूरती से तरह उतारी हुई है। मैं फिल्म के माध्यम से जो कुछ लोग अपने फायदे के लिए रामलीला के मंचन को गंदा कर रहे हैं और अपने सिर्फ अपने फायदे के लिए जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हमें दिखाना चाहिए जहाँ पे भगवान राम की आरती जब उतारने के लिए जब मोदी जी हों चाहे योगी जी हों वो चप्पल उतार से स्टेज के ऊपर चढ़ते, चप्पल उतारने के बाद वहाँ पे लोग इस तरह की अभद्र लीलाएं करा के डांस करा के उस चीज़ों को मंच को गंदा कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हम तो बस इतना चाहते हैं कि उन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाई जाए और जो चीज़ भगवान राम के नाम पर उनको अच्छे से अच्छे मंचन किया जाए। थैंक यू। सब लोग देखें और एंजॉय करें एक नए तरह का सिनेमा जो कि पूरी तरह से मनोरंजन आपको देगा और एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो आज तक हिंदी सिनेमा में मेरे हिसाब से नहीं दिखाई गई है। मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे अभिनेता मिले और इसलिए मुझे लगता है कि मैं खुद अभिनेता हूँ तो उनके साथ मुझे कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक एंसेंबल कास्ट मिल गई जिनको मुझे कोई भी चीज़ समझाने में ऐसी दिक्कत नहीं हुई जो मैं उनसे कहना चाह रहा था। तो हम शुरू से सेम पेज पे थे और फिल्म में जो जिस किरदार में गया उसने भले ही मतलब कि न सिर्फ बड़े किरदार करने वाले अभिनेता बल्कि जो छोटे किरदार जिन्होंने किए उन्होंने भी इतने अच्छे रोल किए हैं कि आपको एक लाइन करने वाला बंदा भी याद रह जाएगा। थैंक यू सो मच। शुरू हो जाऊँ? नमस्कार, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है और मैंने अभी अभी ट्रेलर देखा है और
सारे किरदारों से मिला। बोलूं? देखिए मंडली शब्द तो तभी से शुरू होता है जब बच्चे होते हैं हम, और अपने अपने मोहल्ले में ग्रुप बनाते हैं और नाटक करना शुरू करते हैं या कोई भी एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुपर हिट टाइटल है इसका मंडली, क्योंकि मंडली एक घरेलू शब्द है। दूसरा फिल्म में रामलीला के ऊपर है, रामलीला हमारे नस में है, खून में है, लेकिन मॉडर्न ज़माना टीवी आने के बाद, फिल्म आने के बाद रामलीला की भीड़ कम हो गई और थोड़ा सा वो उसकी जो गरिमा है, गरिमा तो वैसे है, मतलब स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा छोटे बड़े एक्टर, बिजी एक्टर, तो वो स्तर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन कुछ सालों में वापस वो जोश पकड़ रहा है जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इस फिल्म में जो मैंने ट्रेलर देखा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू गो बैक टू दैट रामलीला विच आई हैव सीन इन बनारस। तो मुझे ऐसा लगा कि वापस 15 साल के बाद एक जमकट आ गया कि मैं वापस बनारस पहुँचा, हालांकि उन्होंने मथुरा में शूट किया हुआ है तो मैंने बनारस में देखी हुई है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म, एंड दिस फिल्म इज़ फॉर ऑल द पीपल हु लव राम जी, हु लव रामायण, हु लव महाभारत एंड हैव, बिकॉज ऑल दिस एपिक्स हैव ग्रेट वैल्यूज, और आज की नई जनरेशन को उन वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत 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 ज़रूरत है। इसलिए आप जाइए और आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा इस फिल्म में देखें। थैंक यू साहब ने तो बोला, और केमू साहब के ही बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ट्रेलर वगैरह सबकी बात हो चुकी है, तो मैं आप दर्शकों से यह कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब मिलकर देखें मंडली, जिसमें समसामयिक है खलबली, अत्याचार की जलेगी लंका और सत्य असत्य पर सत्य की होगी विजय। और सबसे अच्छी बात यह है इस फिल्म में कि इस फिल्म में आप लोग पर्दे पर रामलीला देखेंगे। तो जाइए जरूर, अगर पर्दे पर रामलीला देखना है, भाई हमने तो ट्रेलर देख करके समझ लिया है, हम तो जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि बचपन से रामलीला देख रही हूँ, कर भी रही हूँ, और बहुत सालों के बाद रामलीला थिएटर पे देखूंगी। तो नए यूथ के लिए यही है कि जाना चाहिए, ये तो देखना चाहिए, ये भी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और शहर वालों के लिए तो बहुत जरूरी है।